तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर तुम देखोगे इसमें ये बताया जा रहा है कि एक अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, किसके किसके बीच अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, देखो सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, एक ब्लॉक है रखा हुआ है और उस पर मैं अप्लाइड फोर्स एफ लगा रहा हूँ। और अगर मैं अप्लाइड फोर्स एफ लगा रहा हूँ तो इस पर जो फ्रिक्शन है, जो पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, वो कैसे चेंज होगी, उसका ग्राफ आप पढ़े होगे। नॉर्मल इस पर ऊपर लगेगा, एम जी इस पर नीचे लगेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते हो वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती है और स्टेटिक से होके स्टेटिक होगी, फिर वो लिमिटिंग जाएगी, फिर लिमिटिंग के बाद काइनेटिक जा जाएगी, ठीक है ना। तो आप आई होप कि आप जानते हो स्टेटिक क्या होता है, कि यहाँ पर देखो स्टेटिक मतलब होता है आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी ये 2 न्यूटन का होगा। यहाँ ये सारी वैल्यू स्टेटिक, ये लिमिटिंग की है, ये लिमिटिंग है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये सारी पॉइंट्स ये सारे स्टेटिक है, ठीक ना। यहाँ ये सारे, और इसके बाद ये वाली जो फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गई है वो कौन सी है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ये वाली चीज़ है। तो अगर तुम देखोगे 2 न्यूटन आपने अप्लाइड फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन है, तो ये एंगल कितना होगा, टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू 2/2 = 1, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक ना। उसी तरह से आपने और ज़्यादा फोर्स बढ़ाया, अब जैसे मान लो मैंने 3 न्यूटन का फोर्स बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन भी यहाँ 3 न्यूटन का जनरेट हो गया होगा, ये वाली चीज़, ठीक है। क्योंकि स्टेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता, तो अभी भी थीटा 45। उसी तरह से 4 न्यूटन लगाए और फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन का हो गया। तो ये सारी वैल्यू जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, दैट वाई थीटा इज 45 डिग्री। उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन 45, मतलब हमेशा 45 थोड़ी होगा। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू लाइन एक्सिस, नो डाउट ये गलत है। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन 45 फॉर स्मॉल एफ, स्मॉल एफ मतलब जब तक स्टेटिक लग रहा, उसके बाद काइनेटिक लगने लगेगा फॉर लार्जर एफ, ठीक ना। तो सी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो ये वाली चीज़, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।